क्या आप जानते हैं कि मणिपुर में जो घटना घटित हुई है उसके बैकग्राउंड स्टोरी में एक फेक न्यूज बहुत बड़ी वजह थी, और उस एक फेक न्यूज की वजह से ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसने मणिपुर समेत 140 करोड़ भारतीयों का सिर शर्म से नीचा कर दिया है। घिन आने लगी है हमें अपने आप को, और ऐसी तस्वीर, ऐसा वीडियो जिसे सभ्य समाज में देखकर खून खौल उठता है। ये सोचकर मन सिहर जाता है कि अगर हमारे किसी अपने के साथ ऐसा हुआ होता तो शायद हम और आप जीते जी मर जाते। इस खबर में संस्कार का भी जिक्र है, एक कैसे उन लोगों के संस्कार थे जिनकी मां ने ऐसे कपूतों को जन्म दिया जो किसी लड़की को नंगा करके सड़क पर घुमा रहे थे, उसके प्राइवेट पार्ट में उंगलियां डाल रहे थे, उसे छेड़ रहे थे, छू रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। लेकिन उतना ही सच ये भी है कि संस्कारों की आड़ लेकर सरकार सवालों से नहीं बच सकती, क्योंकि 44 दिन बाद FIR दर्ज होना और 76 दिन तक जीरो लोगों गिरफ्तारी होना, एक भी व्यक्ति गिरफ्तारी नहीं, और फिर मुख्यमंत्री कहना कि यह वीडियो वायरल किया गया है। साहब, आपने इंटरनेट बैन कर रखा था, और यह एक घटना है, ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं दोनों जातियों के बीच में से मणिपुर को लेकर निकली। हालांकि इस घटना में न जाने क्यों मुझे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बड़ी याद आ रही है। अटल जी आज बहुत, और अटल जी मुझे याद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2002 में मुझे याद है कि जब एक दंगा हुआ था, 56 कार सेवकों को जला दिया गया था एक ट्रेन में, और उसके बाद गुजरात में हिंसा हुई थी, उस हिंसा में भी एक्शन का, रिएक्शन का जिक्र किया गया था जैसे मणिपुर में चल रहा है। मणिपुर में अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, एक फेक न्यूज आई थी जिसमें कहा गया कि कुकी समुदाय के लोगों ने मैतेई समुदाय की महिलाओं के साथ रेप किया है। कुछ तस्वीरें आई थी, मुझे नहीं पता कि शायद और घटनाओं क्या है, हो सकता है शायद ऐसी घटनाएं हुई भी हों, लेकिन जिस घटना के कॉन्टेक्स्ट में जो तस्वीरें आई थी वो तस्वीरें बाद फेक निकली, और दोनों समुदाय ने, इन दोनों समुदाय ने एक दूसरे के साथ बर्बरता की सारी हदें पार की है, आंखें निकाली हैं, गला काटा है, मारा है। एक समुदाय का एक वीडियो आया है इसलिए हमारी उत्तेजनाएं बढ़ गई हैं, अदरवाइज दोनों समुदाय ने एक दूसरे के साथ इंसानियत को, मानवता को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन वो जो फेक न्यूज आती है उसका असर यह होता है कि मैतेई समुदाय के लोगों में गुस्सा आता है, हजारों लोग निकलते हैं, घर में घुसते हैं, जाते हैं, एक महिला घर जलाते हैं, लूटमार होती है, एक 56 साल के आदमी को मारा जाता है, एक भाई जो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता उसे मार दिया जाता है, और तीन लड़कियों से कहता है अगर जिंदा रहने की तमन्ना है तो कपड़े उतार दो। इसके बाद जंगल में ले जाकर परेड, और वो 800 900 हजार लोगों की भीड़ जो है वो इन महिलाओं को नोच खाती है, और इस घटना ने हम सबको शर्मसार करके रख दिया है। लेकिन गुजरात में जब कार सेवकों को गाड़ी में जलाया गया था ट्रेन में, उसके बाद कहा जाता है खुली शवों का प्रदर्शन जो था खुले गाड़ी में हुआ, और उसके बाद एक्शन का रिएक्शन हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। उस घटना में सही कौन था, गलत कौन था, सबके अपने अपने एजेंडे हैं और उन एजेंडों के हिसाब से लोग अपना अपना रास्ता तय करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस दिन मीडिया के सामने आए, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बगल में बिठाया और पत्रकारों से वो सवाल लिए जो आम जनमानस के सवाल थे, उन सवालों का सामना किया, वो एक ट्रू लीडर की कहानी थी। इस वजह से मुझे आज अटल जी को लेकर सम्मान मेरा एक दर्जा और बढ़ गया है। वो जो उन्होंने कहा था ना, राजधर्म का पालन करना, बैठाकर प्रधान सेवक के तौर पर वो एक संदेश था। आज ये काम बीरेन सिंह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, ताकि जनता का, देश का, दुनिया का विश्वास भारत की सभ्यता, भारत की अखंडता और ऐसी घटनाओं से उबरने की क्षमता को लेकर बना रहे। मुझे अटल जी बहुत याद आ रहे हैं आज, न जाने क्यों। शर्मसार हम तब भी हुए थे 2002 में भी, लेकिन कोशिश। हालांकि इस घटना में संस्कार का भी जिक्र है, क्योंकि कैसी ये औलादें थी जिन्होंने एक महिला को निर्वस्त करके सड़कों पर चलाया, वो चीखती रही, उसका रेप सैकड़ों लोगों ने कर डाला। सरकारें संस्कार नहीं दे सकती हैं, संस्कार घर से मिलते हैं। इन लोगों को भी जिसने जन्म दिया होगा वो महिला रही होगी, इन्होंने भी जिनसे मोहब्बत की होगी वो कोई महिला रही होगी, इनके घर में भी महिलाएं रही होंगी जिन्हें ये बहन, दीदी,
बुआ, चाची, मामी, नानी, काकी वगैरह वगैरह बोलते होंगे। कहां मर गए वो संस्कार? ये सवाल भी आपको कचोटना चाहिए। हालांकि जब हम संस्कारों का जिक्र कर रहे हैं तो मैं ये भी जिक्र करूंगा कि संस्कारों की आड़ में सरकार नहीं बच सकती। घटना घटित हुई क्यों? सवाल नंबर एक। घटना घटित होने के बाद सरकार ने क्या किया? 44 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया, जब जमाने ने थूकना शुरू कर दिया, जब जमाने ने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया, तब जाकर इस मामले में कार्रवाई की बात की गई। तब जाकर महिला बाल विकास मंत्री सामने आई, प्रधानमंत्री सामने आए, मुख्यमंत्री सामने आकर। और इसीलिए बहुत सारे सवाल मन में है और हमें नहीं पता कि ये आखिरी घटना है, क्योंकि हो सकता है ऐसे और भी वीडियोस हों। मणिपुर में इंटरनेट बैन लगा हुआ है, वहां से रिपोर्टिंग खुलकर नहीं हो पा रही है, वहां से खबरें छन छन कर आ रही हैं, सारे जमीनी हालात हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, यह सच है कि दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में संवेदनाएं अगर इतनी दूर हो जाती हैं तो फिर ये तकलीफ दे है। और इन संवेदनाओं का जिंदा होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि 140 करोड़ भारतीय शर्मसार हैं, हृदय उनका दुखा हुआ है, मन व्यथित है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सरकार को समय दे रहे हैं, सरकार कार्रवाई करे नहीं करेगी तो हम करेंगे, कठोरतम कार्रवाई बनती है। ये सारी चीजें हैं। विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रहा है, विरोध हो रहा है, तमाम लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने एजेंडों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये वक्त एजेंडों को बढ़ाने का नहीं है। ये वक्त ये सोचने का है कि जो मणिपुर में घटना हुई है वो कभी कहीं और दोहराई ना जाए। इंसानियत वेदना इतनी ज्यादा कैसे मर गई? किसी लड़की को घर से उसके परिवार के सामने नंगा निकालकर दौड़ाया गया। हम इस देश में देवियों की पूजाएं करते हैं, नफरत होनी चाहिए। आज भारत के माथे पर कलंक है, उस भारत के जिसे हम भारत माता कहते हैं।